बॉबी लैशली कर सकते हैं ब्रॉक लेसनर पर हमला, रॉ के अगले एपिसोड में। पूरी जानकारी के लिए वीडियो को पूरा जरूर देखें। दोस्तों, डे वन पीपीवी में ब्रॉक लेसनर ने WWE चैंपियनशिप जीत ली है, जिसमें WWE ने इस बात की तरफ इशारा किया है कि ऑलमाइटी बॉबी लैशली ही ब्रॉक लेसनर के अगले ओपोनेंट होने वाले हैं, क्योंकि डे वन में हुए मैच में लेसनर ने बॉबी लैशली के अलावा सभी रेसलरों को F5 मारे और वो सभी रेसलरों पर भारी पड़े। लेकिन बॉबी लैशली ही वो अकेला रेसलर था जिसे ब्रॉक लेसनर के सामने कमजोर नहीं दिखाया गया। जब बॉबी ने ब्रॉक को हर्ट लॉक लगाया था, तब भी ब्रॉक को बहुत परेशानी हुई थी और वो लैशली के लॉक को तोड़ नहीं पाए थे। फिर मैच के बाद में ब्रॉक लेसनर लैशली को देखकर हंस भी रहे थे, वहीं लैशली भी ब्रॉक को गुस्से में देखे जा रहे थे। यहाँ एक बात और ध्यान देने वाली है कि डे वन में ब्रॉक लेसनर ने बिग ई को पिन करके हराया है, जिस वजह से अब बिग ई ब्रॉक लेसनर को फिर से चैलेंज नहीं कर सकते, क्योंकि वो साफ तरीके से हार चुके हैं। वहीं सेथ रॉलिंस और ब्रॉक लेसनर के बीच कई बार हमें मैच देखने को मिल चुके हैं, और चाहे बात केविन ओवेंस की हो या सेथ रॉलिंस की, तो इन दोनों को ही ब्रॉक लेसनर ने डे वन में बुरी तरह से डोमिनेट किया था। इस वजह से अगर इन दोनों में से किसी का भी ब्रॉक के खिलाफ मैच हुआ तो कोई भी उतना इंटरेस्ट नहीं लेगा। अब ऐसे में बॉबी लैशली ही एक ऐसा एकमात्र रेसलर बचता है मंडे नाइट रॉ में, जो कि बीस्ट ब्रॉक लेसनर को चैलेंज करने का असली हकदार है। उन्होंने इस पल का कई सालों से इंतजार किया है। मंडे नाइट रॉ में बड़े लंबे समय के बाद ब्रॉक लेसनर का रिटर्न होगा, तो WWE इस शो को बेहतरीन बनाने की पूरी कोशिश करेगी। दोस्तों, अब मंडे नाइट रॉ का मेन टाइटल यानी कि WWE चैंपियनशिप ब्रॉक लेसनर के पास है, इसलिए उनका रॉ में आना पक्का ही है। और जब ब्रॉक लेसनर रॉ में आएंगे तो हो सकता है कि द ऑलमाइटी बॉबी लैशली उन पर हमला कर दे, और यहां से हमें इन दोनों रेसलर्स की धमाकेदार फ्यूड की शुरुआत होती दिखाई दे। ऐसा होने के बहुत ज्यादा चांस है, क्योंकि रोमन रिंग्स की वापसी कब होगी ये कोई नहीं जानता, और रॉयल रंबल भी WWE का एक बड़ा पेपर व्यू होता है। ऐसे में अगर यहाँ ब्रॉक लेसनर और बॉबी लैशली का ड्रीम मैच होगा तो WWE का ये शो भी हिट रहेगा, जैसा कि डे वन रहा। ये मैच WWE इसलिए करवा सकती है क्योंकि अभी भी चांसेस हैं रसलमीनिया 38 में ब्रॉक लेसनर और रोमन रिंग्स के बीच मैच होने के, जो कि एक चैंपियंस वर्सेस चैंपियन मैच हो सकता है। वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक, कमेंट और शेयर करें। चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर प्रेस करें। बिलीव इन गॉड एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।